राहुल गांधी ने अभी अभी बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में बाहर वाले राज करें, उनका इशारा अपने एलजी साहब की ओर है। राहुल बाबा, आपको जो भाषण लिखकर देते हैं ना, वो आपको सच नहीं बताते। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन अगर किसी एक पार्टी ने डाला है तो वो कांग्रेस ने डाला है, कांग्रेस ने डाला है। आप हमें कह रहे हो, और मनोज सिन्हा जी तो भारत के हैं। राहुल बाबा, आपका दादी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को देने का काम किया है। आपको जम्मू और कश्मीर माफ नहीं कर सकता। और मैं बता रहा हूं राहुल बाबा, हम तो वो पार्टी के कार्यकर्ता है जिसका नारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर, जोर से बोलो, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर, वो कश्मीर हमारा है जो सारे का। आपने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया। भाइयों बहनों, 70-70 साल तक ये दोनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को लोकतंत्र से दूर रखा। मोदी जी आए, अब पंच सरपंच भी जीत रहा है, ब्लॉक के चुनाव हुए, जिले के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर के 30,000 से ज्यादा लोग लोकतंत्र से चुनकर अपना राज कर रहे हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कांग्रेस एनसी की सरकार में पंच सरपंच के चुनाव होते थे क्या? अरे जोर से बोलो, होते थे। ब्लॉक के चुनाव होते थे, जिले के होते थे। ये चुनाव कराने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरे आपने तो हमारे युवाओं के हाथ में बंदूकें थमा दी, मशीन गने थमा दी। उमर साहब, मैं भी आज यहां पर कहकर जाता हूं कि हम भी हमारे युवाओं के हाथ में बंदूक और मशीन गन थमाएंगे। मगर आपने तो आतंकवाद की तबाही, हम इस एरिया से स्पेशल भर्ती कर सेना और सुरक्षा बलों में जवानों को ले जाए।